हाय गाइस, दिस इज राहुल और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ विंग्स के अल्फ़ा ब्लूटूथ ईयरफोन्स को। और ये बहुत ही नए ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। और ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, ये टच कंट्रोल ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। चलिए अभी अनबॉक्स करते हैं इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स को और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी इन ईयरफोन्स को हम लोग अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अनबॉक्स करने से पहले ये बॉक्स में हम लोग देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे IPX5 वाटर रेजिस्टेंस आपको ये रेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा है डीप बेस, अप टू 20 आवर्स का यहाँ पे आपको प्ले टाइम देखने को मिलता है। टच सेंसर कंट्रोल आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलते हैं। HD माइक्रोफोन्स आपको इस ईयरफोन में देखने को मिलते हैं। तो जो कंट्रोल्स होने वाले हैं वो टच कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रीमियम फीचर है। अनबॉक्स करने के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जिसमें आपको गाना का फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और एक साल की आपको वारंटी इन ईयरफोन्स की देखने को मिलती है। तो यह है यूज़र मैनुअल, आपको इसमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी, ये कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से आपको शॉर्टकट आपको इन ईयरफोन में देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए ये आपको मैनुअल देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही आपको ये टाइप सी केबल आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो चार्जिंग केस है, इसकी कैपेसिटी 400 mAh की है, 400 mAh की बैटरी इनमें आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं, जो ईच ईयर फ़ोन आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको 50 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और जैसे ही आप इसे निकालते हो, ये ऑन हो जाता है और ये ब्लिंक करने लगता है, जो पेयरिंग मोड में ये चला गया है अभी। तो ये बहुत ही इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। और अगर आपको इसमें बैटरी आपको लो हुई, तो आप इसे चार्जिंग केस में डाल के फिर से चार्जिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इन ईयरफोन्स की। तो हम लोग फर्स्ट ये इस केस की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। और आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन LED देखने को मिलती है। तो ईयरबड्स की बात करें, तो ये ईयरबड्स की क्वालिटी बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है। और ओवरऑल जो डिज़ाइन की बात करें, तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। कलर भी इन ईयरफोन्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और मुझे बहुत ही प्रीमियम टाइप का ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। और ये जो ईयरफोन्स है, इनका भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो क्वालिटी है वो ईयरफोन्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसे कान में डालते हो, तो कान में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ऐसे नहीं लगता कि ये गिरने वाले हैं या ऐसा कुछ आपको फील होता है। अभी बात करते हैं इन ईयरफोन्स के साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इन ईयरफोन्स की कैसी है। तो मुझे इन ईयरफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है, मुझे अच्छी लगी है। इसमें आपको बेस अच्छा खासा इसमें बेस आपको सुनाई देगा, इसमें वोकल्स भी आपको बहुत ही क्लियरली सुनाई देते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सुनाई देता है। तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है, वो बहुत ही मतलब बैलेंस्ड साउंड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग इसके कॉल क्वालिटी की बात करें, तो मैंने इस पर थोड़ा कॉल लगा के भी देखा था और जो कॉल क्वालिटी भी है इसका, बहुत ही अच्छा है। सामने वाले को भी आपका आवाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देता है और आपको भी सामने वाले का जो ऑडियो है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सुनाई देता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ओवरऑल हम लोग इसकी कॉल क्वालिटी और साउंड की बात करें, तो बहुत ही डिसेंट इसकी साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इन दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है। अभी बात करते हैं ये गेमिंग के लिए ईयरफोन्स अच्छे हैं कि नहीं। अगर आप PUBG खेलते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हो, तो इन गेम्स के लिए ये अच्छे है कि नहीं। तो मैंने इन ईयरफोन्स पर PUBG गेम खेल के देखा है और PUBG गेम इतना अच्छी तरीके से इस पर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको साउंड लैग देखने को मिलता है। कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन देखोगे, तो उनमें आपको थोड़ा तो लैग देखने को मिलता ही है गेमिंग के मामले में। तो गेमिंग के लिए आपको ईयरफोन चाहिए, तो आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कंसिडर मत करो, आप वायर्ड जो होते हैं ईयरफोन्स उनको कंसिडर करो, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स ही PUBG और गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो ये PUBG के लिए आप डेफिनेटली इसे स्किप कर सकते हो, PUBG के लिए ये नहीं बना है, आपका गेम प्ले स्पॉइल हो जाएगा, तो PUBG के लिए नहीं है।
तो अभी इन ईयरफोन्स की हम लोग प्राइस की बात करें तो ईयरफोन्स मैंने अमेजोन से मंगाया है और मुझे ये अभी लाइटनिंग डील में पड़े हैं 2300 रुपये के आसपास। थोड़ा प्राइस थोड़ा कम होता तो अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स आपको 2000 के आसपास ये मिल जाते, पर 2300 भी एक कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, उसमें आपको बहुत ही डिसेंट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करता हूँ ये प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में भी बहुत ही अच्छा दिखने वाला ये प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है और आपको कुछ सेफ़ ब्लूटूथ ईयरफोन्स चाहिए तो आप रियलमी का जो नेक बैंड है वो कंसिडर कर सकते हो। रियलमी का नेक बैंड भी आपको 2000 से कम में मिल जाएगा, 1800 रुपये के आसपास उसका प्राइस है, उसकी भी साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, डिसेंट लगा है। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो इन विंग्स अल्फ़ा ईयरफोन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी टाइप के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।